दोस्तों, स्टंप के पीछे से मैच जिताने वाली कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन शायद ही आपने धोनी के अलावा किसी और को स्टंप के पीछे से बैट्समैन को बेवकूफ बनाते हुए देखा होगा। वैसे तो हमारे धोनी ने कई बैट्समैन को लू बनाकर उनका विकेट चटकाया है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे ही विकेट दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपको खूब मजा आएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर वन, दोस्तों नो लुक सिक्स तो आपने देखा होगा, लेकिन आज आप देखिए धोनी का नो लुक रन आउट। न्यूजीलैंड के बैट्समैन रॉस टेलर लेग साइड की ओर शॉट खेलते हैं, जिस पर दो रन आसानी से दौड़ जा सकते हैं, और रॉस टेलर ने भी यही सोचा। और जब ये अपना दूसरा रन पूरा करने से मात्र कुछ ही इंच दूरी पर थे, बॉल धोनी के हाथ में आ चुकी थी, लेकिन धोनी जानते थे कि अगर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देर हो जाएगी और टेलर क्रीज पार कर लेंगे। इसलिए ही धोनी पीछे देखे बिना ही बॉल को स्टंप पर मार देते हैं, और धोनी ने बिना देखे ही रॉस टेलर को चलता कर दिया। नंबर दो, दोस्तों साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। फखर जमान अपनी दूसरी डबल सेंचुरी से महज 7 रन की दूरी पर थे, और तभी रबाड़ा की गेंद पर एक शॉट खेलकर फखर जमान ने 2 रन चुराने की कोशिश की। जब वे दूसरा रन पूरा करने वाले होते हैं, तभी साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक चिल्लाते हुए इशारा करते हैं, जैसे वो फील्डर को नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करने के लिए कह रहे हो, और ये देखकर फखर जमान रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग ऑन से फील्डर का थ्रो डायरेक्ट स्टंप पर लगा और फखर जमान आउट हो गए। नंबर तीन, जब श्रीलंका के मारवान अटापट्टू बैटिंग कर रहे थे और उन्हें बॉलिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका के जोहान बोथा, बोथा की बॉल सीधा अटापट्टू के पैड से लगती है और सभी LBW की अपील करने लगते हैं। इतने में अटापट्टू रन दौड़ने के चक्कर में क्रीज से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि बॉल विकेट कीपर मार्क बाउचर के हाथ में है। अटापट्टू के कदम क्रीज के बाहर होते ही 1 सेकंड में बाउचर बॉल को स्टंप पर मार देते हैं। बाउचर के फुर्तीले दिमाग और हाथों ने अटापट्टू को कुछ समझने से पहले ही पवेलियन को रवाना कर दिया। नंबर चार, चलिए अब वुमेन्स क्रिकेट पर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। जब एम जॉन्स ने भी गजब की विकेट कीपिंग की थी, एम जॉन्स झट से बॉल को विकेट पर मार देती है। नंबर पांच, दोस्तों श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था और मुरलीधरन बॉलिंग कर रहे थे। मुरलीधरन एक स्पिन डालते हैं जो बाहर की ओर जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन वो बॉल को मिस कर देते हैं और क्रीज के बाहर आ जाते हैं। अब क्योंकि बॉल बाहर की ओर जाती है तो संगकारा भी मुश्किल से उसे पकड़ पाए, और उन्होंने एक ही झटके में घूम कर थ्रो लगा दिया और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को चलता कर दिया। नंबर पांच, दोस्तों इसे देखकर आपको धोनी की याद जरूर आएगी, लेकिन ये तो बटलर हैं। जब मोइन अली की एक बॉल पर सरफराज अहमद लेट कर मार रहे थे, लेकिन बटलर भी धोनी के फैन नजर आते हैं और वे उनके शॉट को पैरों से रोक लेते हैं, और इधर सरफराज शॉट खेलते ही दौड़ने की फिराक में रहते हैं और वे क्रीज से बाहर आ जाते हैं। बस इतनी देर में जॉस बटलर बॉल को ग्राउंड से उठाकर स्टंप पर मार देते हैं और सरफराज को पवेलियन लौटना पड़ता है। नंबर छह, दोस्तों ब्रेंडन मैकुलम को उनकी आतिशी पारी के लिए जरूर जानते होंगे, लेकिन वो एक बेहतरीन कीपर भी रह चुके हैं। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक टेस्ट मैच चल रहा था। डेनियल विटोरी की बॉल पर राहुल द्रविड़ स्वीप शॉट खेलते हैं, लेकिन विकेट के पीछे खड़े ब्रेंडन मैकुलम द्रविड़ के शॉट को पहले ही भांप लेते हैं और वो पहले से ही लेग साइड पर आकर खड़े हो जाते हैं, और द्रविड़ के स्वीप शॉट खेलते ही बॉल सीधा ब्रेंडन मैकुलम के दस्ताने में चली जाती है और द्रविड़ कैच आउट हो जाते हैं। नंबर सात, दोस्तों यहाँ इंग्लैंड की डोमेस्टिक T20 लीग का एक मैच चल रहा होता है। बॉलर एक घूमती हुई लेग स्पिन बॉल डालता है। पहले तो बॉल विकेट कीपर के ग्लव से टकराकर उछल जाती है और बैट्समैन को लगता है कि बॉल पीछे निकल गई है और वो क्रीज से बाहर आ जाता है, लेकिन बॉल कीपर के हाथों में आ जाती है और वो इसे रिएक्ट करता है, जिससे बॉल वापस बॉलर को देने वाला है और बैट्समैन के रिलैक्स होते ही विकेट कीपर स्टंप बिखेर देता है। नंबर आठ, दोस्तों लास्ट में हम एक बार फिर धोनी की विकेट कीपिंग देख लेते हैं। जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक मैच चल रहा होता है और बैटिंग कर रहे होते हैं जिमी निशम, केदार जाधव की गेंद पर जिमी निशम एक स्वीप लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल उनके पैड से टकराकर धोनी के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद सभी इंडियन प्लेयर अंपायर से LBW की अपील करते हैं, लेकिन अंपायर अपील को नकार देते हैं और जिमी निशम को पता ही नहीं होता कि बॉल कहां है। अब सबकी अपील के बीच धोनी निशम के क्रीज से बाहर जाने का वेट कर रहे थे। जैसे ही कंफ्यूज निशम क्रीज से एक पांव बाहर निकालते हैं, धोनी बॉल को उठाकर स्टंप पर मार देते हैं और यहां निशम का विकेट गिर जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।